नमस्कार, मी सतीश कासेळा. नमस्कार, महाराष्ट्राच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे. पाहूया काही ठळक घडामोडी. तीन तलाक बिलाच्या विरोधात नांदेडमध्ये मुस्लिम महिलांनी केले निदर्शने. तीन तलाकच्या बिलाच्या विरोधात नांदेडमध्ये आज मुस्लिम महिलांच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर असंख्य महिला या निमित्त एकत्र आल्या. तीन तलाकच्या बिलावर बंदी हा कायदा शरीयत मध्ये हस्तक्षेप करणारा असल्याचा आरोप महिलांनी केलाय. या आंदोलनात हजारो मुस्लिम महिलांचा सहभाग होता. मुस्लिम मुतेहिदा महज या संघटनेच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले होते. नांदेडहून राजू ओसेकर. तीन तलाक बिल जो है वो पारित ना किया जाए राज्यसभा में, क्योंकि ये तीन तलाक बिल गलत है. एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि तलाक, ट्रिपल तलाक नल एंड वॉइड है, और दूसरी तरफ हम तीन तलाक बिल के अंदर ये चीज़ देखते हैं कि उसमें ये है कि अगर कोई आदमी अपनी औरत को तीन तलाक देता है, अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को तीन तलाक देता है, तो उसको जो है 3 साल की जेल हो जाएगी, जो कि क्रिमिनलाइज किया जा रहा है तलाक को, जो कि गलत है. हम इसको गलत समझते हैं. क्रिमिनल चीज नहीं है ये सिविल मैटर है, उसको क्रिमिनल मैटर बनाया जा रहा है, जो कि गलत है. दूसरी बात ये कि इस तलाक, ट्रिपल तलाक बिल के अंदर ना सिर्फ एक तलाक बल्कि तलाक के जो तीन तलाक बल्कि दूसरे भी जो तरीके तलाक के हैं वो सब के सब गलत करार दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मुसलमान औरतें भी जो है सफ़र होंगी और उनको जो है तलाक लेने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना पड़ेंगे, जिसमें उनको बहुत ही तकलीफ़ होगी. पैसा भी बहुत खर्च होगा, वकील का खर्चा, और उसके अलावा टाइम भी बहुत पास होगा, जिसकी वजह से अगर वो तलाक लेकर आसानी से दूसरी शादी जो कर सकती हैं वो करने का मौका उनको नहीं मिलेगा, और उसकी वजह से वो सफ़र होंगी. हम ये समझते हैं, इसलिए हम इस बिल के मुखालिफत करते हैं. हमारे मुल्क में इस वक्त 24 लाख ऐसी औरतें हैं जो अबंडेंड हैं, जिनको के उनके शौहरों ने अपने साथ भी नहीं रखा है और उनको अलहदा भी नहीं किया, मतलब उनको तलाक भी नहीं दी और उनको अपनी बीवी की तरह साथ में भी नहीं रखा है. तो ऐसी हालत मुसलमान औरतों की ना हो ये हम चाहते हैं, इसलिए हम इस बिल की को पूरी तरह कंडेम करते हैं. भारत केंद्र शासन ने जो तीन तलाक बिल लोकसभा में पास किया है उसके विरुद्ध आंदोलन करने के लिए आज महिला यहां पर खड़ी हुई है. हजारों की संख्या ने पूरे भारत में महिलाएं जो इस बिल का निषेध व्यक्त कर रही है. ये निषेध इसलिए है क्योंकि ये शरीयत इस्लामिक कायदे के विरुद्ध यहां निर्णय दिया जा रहा है, और यह निर्णय कोई भी महिला ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसे सहन नहीं कर सकती. ये इस्लामिक कायदा, ये पर्सनल कायदा, ये हम लोगों के लिए एक जो बिल पास किया गया है वो बिल हमें महिलाओं को सुरक्षित नहीं रखता है, और इसके अलावा ये जो ईश्वरीय कायदा कानून है उसके तहत हमारी व्यवस्था चलती है, इसमें किसी ने हस्तक्षेप करना, हम मुस्लिम महिलाएँ कभी भी ये त्रिकाला बाधित सत्य है कि ये इसको सहन नहीं कर सकते हैं. हम हमेशा के लिए कहना चाहते हैं कि ये बिल विधानसभा में भी अब पारित नहीं होने देंगे, और उसके विरोध निषेध करने के लिए हम लोग सब महिला आज आंदोलन कर रही है, और इस तरह का आंदोलन, ये निषेध पूरे भारत में ये महिलाएं आज रस्ते पर उतर कर उमड़ कर ये अपना निषेध व्यक्त कर रही है. नांदेडहून सिद्धोदन एडकेसह राजू ओसेकर, ब्युरो रिपोर्ट. नमस्कार महाराष्ट्र.